ने बोला लालू प्रसाद चारा घोटाले में लिप्त है, वो तो बहुत लिप्त है। मैं अयोध्या की बात कर रहा हूं, अयोध्या में गड़बड़ हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है सर? मैं उस पे जवाब देना पड़ेगा, आ रहा हूं उसी पे जवाब दे रहा था। पेशेंस तो रखिए जी, पेशेंस तो रखिए। आपके पेशेंस को क्या हो गया दोस्तों? वैसे तो डिबेट में हमेशा विपक्ष के ही प्रवक्ता अमित जोगन की धुलाई करता है, लेकिन आज गुल्लू को पता नहीं क्या हुआ और निष्पक्ष पत्रकार की तरह भाजपा प्रवक्ता से भारी भरकम सवाल करने लगा। गुल्लू ये भूल गया था कि मुझे तो सरकार की चाटुकारिता करना है, जिस पर विपक्ष के प्रवक्ता के साथ साथ भाजपा प्रवक्ता ने गुल्लू देवगन को जमकर धो डाला। राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल सीजन में यानी चुनावी सीजन में तो बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के विषय पर नियत में किसकी खोट दिखाई देती है? चड्ढा समझाओ इसे। पॉलिटिकली क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड में अडिग है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर पिछले एक महीने के केवल हम अखबार उठा के पढ़ लें और मुख मुख खबरें देख लें तो इस बात के जीते जागते प्रमाण हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भ्रष्ट इस देश में दूसरी कोई पार्टी नहीं है। सही पकड़े हैं। इनकी सरकारों ने जगह जगह घोटाले किए हैं, घपले किए हैं। इनका जो एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और जिसके नाम पर वोट हासिल करते रहे और भोले भाले लोगों की भावनाओं का दोहन करते रहे, उस राम मंदिर में भी इन्होंने महा घोटाले किए हैं। उसकी जमीन में भ्रष्टाचार हुआ है, लगातार खबरें आ रही हैं। अभी लेटेस्ट इंडियन एक्सप्रेस की खबर आई है, उसे पढ़िए आप। इनके तमाम मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने, इनके अधिकारियों ने गरीब किसानों को ठग ठग कर राम के नाम पे वहां। मुझे तो अगर राम मंदिर में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, किसी दिन अगर भगवान राम आ गए इनसे हिसाब मांगने के लिए तो ये मुंह छिपाते फिरेंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बिल्कुल। मेरे एक मित्र है जमुना प्रसाद उपाध्याय, जो अयोध्या से ही आते हैं, उनकी पंक्तियां बोलना चाहता हूं मैं इनके लिए कि अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो? बताओ ब्रह्म वेला में जहां तुम पाप धोते हो, अगर सरयू का वही पानी खोलने लग जाए तो क्या हो? मेरे पास कोई और रास्ता है शहजाद, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात हो रही है। अभी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी, किन अधिकारियों ने, किन अफसरों ने और किन सांसदों ने और किन मंत्रियों ने वहां पर जमीन बनाई है। वाकई जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सत्य और तथ्य निकल के आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि यह मामला आपके लिए बहुत ज्यादा फंसाने वाला है? बहुत ज्यादा फंसाने वाला है। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। देखिए ऐसा है कि मैं मूर्तियों के बोलने के नहीं, परंतु न्यायमूर्ति ने बोला है, न्यायमूर्ति ने बोला लालू प्रसाद चारा घोटाले में लिप्त है। वो तो बहुत लिप्त है। मैं अयोध्या की बात कर रहा हूं, अयोध्या में गड़बड़ हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है सर? उस पे जवाब देना पड़ेगा, आ रहा हूं उसी पे जवाब दे रहा था। पेशेंस तो रखिए जी, पेशेंस तो रखिए। आपके पेशेंस को क्या हो गया? राम लला के लिए, राम मंदिर के लिए ट्रस्ट के लोगों ने 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीद कर किसानों से 4 घंटे बाद 18 करोड़ में राम लला के नाम रजिस्ट्री कर दिया। वो स्टोरी तो फिजल आउट कर गई थी, मतलब वो स्टोरी तो दोनों हमले होंगे तो सुन ली, दोनों खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।